नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है परत। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। वही रिएक्शन वीडियो होने वाला है वाक्य एक करबला मोहर्रम स्पेशल। ये वीडियो होने वाला है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का। ये वीडियो है और इसमें वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट रोजाना आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वही वीडियो को शुरू करते हैं। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौके, बस ज़्यादा देर मत कर। और वो वाशी कौन था? कातले हमजा। और हमजा नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि भाई भी थे, दू शरीक और हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे। वाशी को हजरत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूल अल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए। वाशी पेश हुआ पर मैं वाशी यार सुन कातले हमजा यार तेरा ईमान कबूल है लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा? ओए हाय, ये वो शख्स है जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है लेकिन चचा के मामले में, और वो चचा ऐसा नहीं जो सिर्फ चचा ही था, वो दीन का मुजाहिद था, दीन के लिए कंट्रीब्यूशन थी। और मैं आपको अला वजह बसीरत कहता हूं कि हुजूर की वफात के वक्त अगर हजरत हमजा जिंदा होते खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने नहीं होना था, हजरत हमजा नहीं होना था। उसका लॉजिकल सबूत यह है कि गजवे बदर में मुसलमानों का लीडर कौन था आर्मी का? हजरत हमजा। नबी अलैहिस्सलाम तो खैमे में थे ना, मुसलमानों को लीड कौन कर रहा था? हजरत हमजा। गजवे उहद में कौन लीड कर रहा था? हजरत हमजा। इसीलिए आपने फिर गजवे उहद के शहादा पे जाके जनाजा पढ़ा था ना कि इनकी वजह से बाद वाले लोग बेनिफिशियरी होंगे। तो ये लोग तो बेनिफिशियरी नहीं हुए, उनको तो सब कुछ आखिरत में मिला है। ये ना हो कि अब तुम आपस में बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू हो जाओ। और वही हुआ फिर बाद में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कातिल हमजा को माफ किया और फरमाया पूरी जिंदगी फिर वाशी सामने नहीं आया हुजूर के। हालांकि आपको तो अल्लाह ने गारंटी दी है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन पर रऊफ भी हैं रहीम भी हैं। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूं कि इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है या अपनी औलाद से? मतलब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिन जिन के बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आप में से भी अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, आप खुद एनालिसिस कर लें। बल्कि औलाद तो बाज़ इंसान को माँ बाप से आगे हो जाती है। तो जिन लोगों ने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया और उनको कत्ल किया उनका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्ने अली के साथ जुल्म किया या हजरत अली इब्ने अबी तालिब को तकलीफें दी हैं जो हुजूर के बच्चों की जगह थे, उनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत के जज्बात हो? नॉट एट ऑल। हत्ता कि आप देख लें मुस्नद अहमद में तवातुर से वो हदीस नकल हुई है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ गया उस ख्वाब की वजह से। मैंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान आपकी क्या हालत है? तो फरमाया कि ये हुसैन उसके साथियों का खून है जो सुबह से मैं करबला में समेट रहा हूँ। और यानी एक अल्लाह की तरफ से दिखाया गया ये तशबीह, यानी एक लादा से एक महकमा ख्वाब के महकमा बिल्कुल अलग से। आप मुझे ख्वाब में आए तो आपको नहीं पता होगा कि आप मेरे ख्वाब में आए, ये अल्लाह ताला तमसीलन दिखाता है। और नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देख रहा है कौन? सहाबी। तो वो तो कन्फर्म है बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। और वो शक्ल सहाबी को तो पता थी और सहाबी भी आम नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते मैं घबरा के उठा, मैंने वक्त और तारीख नोट कर ली और दिन भी। कई हफ्तों बाद पता चला कि उसी दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत हुसैन इब्ने अली को शहीद किया। तो हुसैन इब्ने अली की वफात के ऊपर ये इब्ने अब्बास को ख्वाब में आना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिकेटर दे दिया ना। इसी हदीस को नकल करके इस्माइल देलवी, जिसको देवबंद और अहले हदीस, जो इस वक्त प्रैक्टिकली यानी एक समझ लें कि यजीद के ठेकेदार बने हुए हैं उसके दिफा के ऊपर, उनके मुश्तरका इमाम है इस्माइल देलवी, शाह वलीउल्लाह देलवी का पोता, उसने जो किताब लिखी है ना तकवियतुल ईमान,
जिसमें गुस्ताखियां भी हैं, वो उस किताब के अंदर हमने उसका जेपीजी भी लगाया था, उसमें उसने लिखा है कि इस हदीस से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम वफात के बाद भी अल्लाह की जन्नतों में हुसैन के कत्ल की वजह से गमजदा है। और उसने भी लिखा यजीद पलीद लफ्ज लिखा, वो उस पूरी किताब में जहां जहां लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यजीद पलीद इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में सऊदी ईरान टसल शुरू हुई तो ये यजीद की वकालत करनी शुरू कर दी। अहले हदीस तो खैर इस वक्त नासबियत और यजीदियत का झंडा उठाए हुए हैं, देवबंद में कम लोग हैं एज कम्पेयर टू अहले हदीस, और बरेलवी में तो बहुत ही कम। तो ये मैं आपको सिर्फ एक कंपेरिजन बता रहा हूँ कि इंसान को अपनी औलाद से जो मोहब्बत होती है वो तो आप सोच नहीं सकते। तिर्मिज़ी में और मुस्नद अहमद में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन को उठाया हुआ है और आप फरमाते हैं अल्लाह ये मेरे बेटों में से एक बेटा है, अल्लाह उससे मोहब्बत कर, जो इससे मोहब्बत करे उससे दुश्मनी रखते हो इससे दुश्मनी। हम ये पूछते हैं कि हुसैन से दुश्मनी किसने रखी हुई है, जरा पॉइंट आउट करें ना, क्या ये थ्रेटिकल बात है? थी ना दुश्मनी, आज तक है, उस जमाने में भी थी, तो वो उन लोगों को फिर उनके साथ क्या मामलात होंगे? बाकी करबला वाला रिसर्च पेपर 5B पढ़ लें तो आपको मामलात क्लियर हो जाएंगे। तो ये गिल के ऊपर मैंने बात की और इसके ऊपर बाद लोगों जो है वो इस हदीस के अंदर तहरीफ भी बाद लोगों ने की है, बाद लोगों ने जानबूझ के की है, बाद लोगों ने अनजाने के अंदर किया है। ये रवायत अल मुस्तदरिल हाकिम में भी मौजूद है और सही सनद के साथ, और अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास हजरत तलहा का बेटा आया उस्मान इब्न तलहा, तो आप उसको जब मिलते हुए आपने ना सूरह हिज्र की वो आयत पढ़ी कि जो अहले ईमान के दिलों में एक दूसरे के बारे में गिल आ जाएगा ना क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके दिल से वो गिल दूर कर देगा, फिर वो जन्नत में आमने सामने बैठे हुए होंगे तख्तों के ऊपर टेक लगाए हुए तकियों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये आयत मेरे तलहा और जुबैर और उस्मान इब्ने अफान इन तीन बंदे और चौथा मैं, ये आयत हमारे बारे में है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए मैल आ गया क़यामत वाले दिन वो दूर कर देगा और हम एक दूसरे से राजी हो जाएंगे। ज़ाहिर है मतलब वो तकलीफें तो पहुंची थी ना हजरत अली को, मतलब कई लोगों से तकलीफ पहुंची, बल आपने उनको एक कैद क्लीन चिट दे दी कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इन लोगों के बारे में ये आयत है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे की नफरत खत्म कर देगा, जो अगर दुनियावी वजह से दुनियावी तौर पर किसी दीनी वजह से आई। तो ये गिल का लफ्ज वहां पे भी इस्तेमाल हुआ। अब डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला चूंकि उनकी हदीस की फील्ड नहीं थी, उन्होंने ये जब सूरह हिजर की आयात आई इसमें मेरा मसला नंबर 116C भी रिकॉर्डेड मौजूद है, उन्होंने ना उसमें हजरत मुआविया का नाम भी ले दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं ये मेरे और मुआविया के बारे में होगा ना, वो नाम लिए ही नहीं है, आप खुद से ना दाखिल करें। हजरत मुआविया को हजरत अली ने नहीं माफ किया, पूरी जिंदगी माफ नहीं किया, क्योंकि उनकी वजह से खिलाफत का निजाम टूटा था। हजरत तलहा तो मैदान जंग से छोड़ के चले गए थे, जब उमर इब्ने यासिर को देखा कि वो सामने हैं तो उन्होंने कहा उमर को तो बागी जमात कतल करेगी, वो छोड़ के चले गए। तो मरवान ने ही उनके घुटने में तीर मारा, मुस्तदल इलाके में आता और वो शहीद हो गए। हजरत जुबैर वो सहाबी हैं यानी जो नबी अलैहिस्सलाम के बहादुर तरीन असहाब में से, 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे 700 में से गज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के दो शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था, और वो जख्म उनको ओहद के मौके पे लगा था। ठीक है, और फिर जंगे उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे, तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं, उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सकता। वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इतनी बहादुरी थी उनके, लेकिन जंगे जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए।
भी है, अरेबिक होगी शायद, उसके क्लिप्स लग रहे हैं। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं, तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तू मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, पुपी जात थे ना, नबी इस्लाम की पुपी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला। तो हुज़ूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था कि या रसूल अल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा हूंगा, और मैं हां तुम उस वक्त जालिम हो गए। तो हज़रत जुबैर जो है वो उन पर गशी तारी हो गई, घोड़े को यानी वो हजरत अली का फिर सामना भी नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए। भाई सीरियसली देखो, आज ये 29 मिनट्स का वीडियो है, अभी 19 मिनट का वीडियो है, तो हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर बनाएंगे जिसमें हम लोग सम्मिलित करके और इस वीडियो को ओवर करेंगे। ये पूरा एक वाक्या है ना, जो कि सुनाया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है, मोहम्मद अली मिर्जा जी के द्वारा। और अभी जैसे मुहर्रम का ये वक्त है, और आज शायद मुहर्रम भी है अब जब हम शूट कर रहे हैं, राइट पलक? हाँ, तो हो सकता है आज मुहर्रम है, क्योंकि अभी हमारे इस एरिया में तो पता नहीं लगता, अगर सिटी में होते शहर की तरफ होते तो जरूर तो पता लग जाता, क्योंकि वो उससे पता लग जाता है। तो भाई अगर वो है तो उसकी मतलब अब वो तो अब अच्छा होता है या बुरा तो हम तो शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते आपको, पर ठीक है आप समझ जाइएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ जाइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।